हाय फ्रेंड्स, अनु की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे, जो बहुत इजीली घर पर बन जाता है और बहुत ही जल्दी बनता है। तो झटपट बना सकते हैं आप अपने घर में, अब बच्चे तो बहुत खुश होंगे। और अभी गर्मियों में बहुत सारा आम आ रहा है, तो इससे बनाइए आप, और जब भी मन हो तब खाइए। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। फ्रेंड, हमने लिया है आम, ये सफ़ेदा वाला आम जो होता है, बड़ा बड़ा, जो खट्टा होता है थोड़ा, थोड़ा मीठा भी होता है। तो ये 1 किलो आम है, और चीनी हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, तो इसलिए हम पूरा बता नहीं पाएंगे आपको कितना हमको डालना है। तो अभी एक बाउल ले लिया हमने, और करीब 1 कटोरी हमारी, मतलब इससे लिया जाए तो, ये क्रीम है, ये घर में ही हमने बनाया, मलाई को छान लिया था और इस तरह क्रीम बनाया। और हमको ब्रश चाहिए फ्रेंड, तो ये क्रीम हमने बर्फ़ के ऊपर ही रखा है, इसके अभी हमको चाहे इससे बीट करिए और चाहे इलेक्ट्रॉनिक बीटर आता है उससे, या आप जिससे भी, इसको अच्छे से फेंटना है और उसके बाद इसको हम इसमें प्यूरी में डाल देंगे। तो अभी सबसे पहले हम ये पल्प जो हमारा इसका बनाएंगे, आम का, और चीनी को हम अच्छे से मिक्सी में पीस देते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप रखिए तो आप इसी तरह रखिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जहाँ गर्म हुआ तहाँ ये उतना अच्छा बीट नहीं हो पाएगा, और इससे हमने इसको बर्फ़ के ऊपर रखा है। तो पहले इसको मिक्सी में डाल के ये मैंगो अपना पीस लेते हैं पहले, फिर हम आपको बताते हैं। पहले थोड़ा डाल लेते हैं, एक बार चला लें अच्छे से। तो थोड़ा चीनी भी डाल देते हैं अभी, तो चीनी बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, और क्योंकि हमारा ये आम थोड़ा खट्टा भी है तो हमें चीनी थोड़ा ज़्यादा डालनी पड़ेगी, और आइसक्रीम थोड़ी मीठी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इसको, आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक बीटर नहीं है तो आप इससे भी कर सकते हैं, और बर्फ़ के लिए बर्फ़ हमने नीचे रख दिया है, और इससे इस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत लोगों के पास नहीं होता है, और इस तरह से भी आता है आजकल बहुत सारा हाथ वाला, तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे इस तरह थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा हमको नहीं चलाना फ्रेंड, नहीं तो इसमें क्या होता है, मलाई तो है नहीं लेकिन फिर भी इसमें ऑयल निकलना शुरू कर देता है जब भी घी होता है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा लगातार ना चलाइए। तो देखिए, हम हल्का हल्का ही कर रहे हैं, और थोड़ा रुकेंगे जैसे कि बढ़िया हमारी क्रीम जो है अच्छे से फ्लफी बन जाए। बहुत ज़्यादा लगातार नहीं करिएगा फ्रेंड, क्योंकि वही गड़बड़ होता है, जो हम लोग जल लगातार फेंटना शुरू कर देते हैं ना, तो उस वजह से जो है हमारी क्रीम एकदम अलग हो जाती है, और दूध अलग हो जाता है, और मलाई अलग हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, और इसके नीचे हमेशा जो है इस तरह से बर्फ़ होनी चाहिए फ्रेंड। तो थोड़ा रुकेंगे फिर ऐसे करेंगे, तो थोड़ा रुक के ऐसे ऐसे करेंगे, और आप चाहें तो इससे भी हो सकता है, और चम्मच से भी कर सकते हैं, नहीं थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड। तो आप इस तरह से, कोई भी आपके पास इस तरह हो तो थोड़ा रुकें फिर इस तरह करें। तो फ्रेंड, ये क्रीम भी मैंने जो है घर पे ही अपना निकाला था। क्या किया था उसमें हमने, कि पूरा मलाई सहित हमने दूध रख दिया था फ्रिज में, और उसको फिर जब एक रात रखा हमने उसको, और उसके बाद हमने उसको सुबह के टाइम, रात भर रख दिया हमने दूध को, और फिर हमने इसको सुबह पूरा निकाला, तो उसमें क्रीम भी था और मलाई भी था। उसको फिर हमने क्या किया कि अच्छे से एक बड़ी छन्नी में हमने उसको लिया, और फिर उसको हमने अच्छे से ऐसे ऐसे करके, इस तरह करके ऐसे ऐसे छान लिया पूरा, और उसके बाद जो मलाई ऊपर थोड़ी रह गई उसको हमने निकाल के जहाँ घी बनाते हैं जिस डिब्बे में उसमें रख दिया, और बाकी इसी तरह तैयार हो गया। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा ये इतना अच्छा घर में ही हमने इसको तैयार कर दिया है। तो आप भी इसी तरह करिएगा फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा लगातार कभी भी ना करिए, तो जब आप लगातार करते हैं तभी वो अलग अलग हो जाता है। तो इसको टाइम दीजिए, तो अलग अलग नहीं होगा, तो ठंडा भी रहे। और हमने बर्तन, ये नीचे वाला भी बर्तन हमने फ्रीजर में रख दिया था, और ये भी फ्रीजर में रख दिया था फ्रेंड, जिससे कि ये अलग अलग ना हो। और ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपको लगातार नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा रुकेंगे फिर चलाएंगे। थोड़ी देर बाद अपने आप ही थोड़ा फ्लफी होगा, तो थोड़ा रुकेंगे। इसमें पानी के, बर्फ़ वाले पानी में है फ्रेंड, तो ये एकदम अच्छे से ठंडा भी है, तो इस बात का आपका ध्यान रखना। तो इसको हम लगातार फेंट के फिर आपको दिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा करीब आधे घंटे लग गए हमको इस तरह से हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करते हुए। तो आप देखिए, अब जाके ये इतना अच्छा हुआ है। तो आप हाथ से भी इतना अच्छा ही बीट कर सकते हैं जितना आप इलेक्ट्रॉनिक वाले से कर सकते हैं। अब देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमारा क्रीम बिल्कुल फफी हो गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि मिला देंगे, बहुत ज़्यादा हो गया,
तो आप भी इसी तरह करिएगा तो कभी भी अलग नहीं होगा। देखिए क्रीम बिल्कुल अच्छा बना है, एकदम जैसे फ्लफी होता है, जैसे हम लोग केक में लगाते हैं, फिर उस तरह का बन गया है। तो आप भी इसी तरह करिएगा जिससे कि आपका क्रीम भी बहुत अच्छा बने। और ये घर का क्रीम है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं कि आप अगर चाहें तो बीटर से भी इतना ही इस तरह से ही फ्लफी बना सकते हैं, और अगर आपका नहीं है तो इस तरह से भी हो सकता है, आप चम्मच से भी आप कर सकते हैं, बस थोड़ा टाइम लगता है। और इलेक्ट्रॉनिक बीटर से होता है कि वो जल्दी बन जाता है, बस इसीलिए मैंने आपको इससे दिखाया कि इससे भी हो सकता है, और आप घर में अच्छी आइसक्रीम खा सकते हैं, और बिल्कुल क्रीम वाली आइसक्रीम। तो बस देखिए हमारा एकदम अच्छे से बन गया, कितना बढ़िया उठ रहा है। इसको आप कहीं भी लगाइए, चाहे केक के ऊपर लगाइए और चाहे आप किसी भी आइसक्रीम में डालिए। तब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें डाल देंगे तो ये हमारा प्यूरी देखिए तैयार हो गया है। इसको हमको मिलाना है फिर, तो देखिए कितना अच्छा फ्लफी बना हुआ है बिल्कुल, देखिए कहीं भी हम इसको लगा सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं। तो बर्फ़ का पानी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, तो चूँकि बर्फ़ के पानी से ही सारा ये अच्छे से सही रहता है, वरना क्या होता है कि पूरा देख कितना अच्छा क्रीम हमारा तैयार हुआ है। अब इसको सारा मिला लेंगे, तो घर में भी आप इस तरह से फ्लफी क्रीम बना सकते हैं। और कभी हम इसका आपको रेसिपी डालेंगे अपने चैनल में, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसमें टाइम तो ज़रूर लगता है फ्रेंड, लेकिन देख कितना अच्छा एकदम क्रीम हमारा तैयार हुआ है घर पे। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हीटर नहीं है या कुछ इस तरह है तो हम बना नहीं सकते हैं, आप बना सकते हैं घर पे। तो इसीलिए हमने इसी से बनाया कि आप इसको देखें और समझें। सिर्फ इसमें आधा घंटा हमको लगा है, तो रुका पहले थोड़ा रुकते थे और फिर हम फिर बीट करते थे, फिर रुकते थे थोड़ा फिर बीट करते थे। आप लगातार बिल्कुल बीट ना करिए, और पानी इस तरह बर्फ़ वाला होना चाहिए एकदम। और जिस बर्तन में हमने, ये भी बर्तन ठंडा था, मेरा हर चीज़ चिल्ड था, मतलब कि हमारी क्रीम भी चिल्ड थी, और क्या कहते हैं हमारे जिस बर्तन में हमने इसको रखा था वो भी चिल्ड था। तो हर तरह से चिल्ड होना चाहिए फ्रेंड, तभी बहुत ही अच्छा बनता है। और यही होता है कि जब हम लोग चिल्ड नहीं रखते हैं क्रीम को या फिर इस तरह से कोई बर्तन को, तो क्या होता है कि वो एकदम दूध अलग हो जाता है और क्रीम मलाई अलग होने लगती है और फिर बेकार हो जाता है। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लें, फिर हम अच्छे से इसको भी एक साथ, तो आप इसी तरह बनाइए फ्रेंड। और बनाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए जिससे कि जो भी रेसिपी हमारी है वो आप तक जल्दी जल्दी पहुँचे फ्रेंड। तो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है, और आपने इस तरह बनाया तो आपका आइसक्रीम किस तरह बना। तो इसको अच्छे से हम एक बार मिला दें, फिर हम उसी से हैंड ब्लेंडर से ही इसको थोड़ा सा मिला देंगे। फिर क्रीम और मैंगो को एक साथ मिला लिया है, अब देख कितना फ्लफी लग रहा है हमारा ये मैंगो। तो इसको अब हम जो है एयर टाइट डिब्बे में रखेंगे। तो मेरे पास इस तरह से अमूल का था आइसक्रीम वाला डिब्बा, तो आपके पास भी कोई एयर टाइट डिब्बा हो तो आप उसमें भी इसको रख सकते हैं। तो इसको हम पूरा डाल देते हैं, इसको इसमें डाल देंगे। देखिए फ्रेंड घर में कितना अच्छा सा बनता है, कोई भी चीज़ प्योर होता है, हमको पता रहता है क्या है ये। तो इसको पूरा हम निकाल लें, इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे जैसे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। आप चाहें तो इसमें फ्रेंड ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, चेरी डाल सकते हैं, और किसी भी चीज़ का आनंद इसमें ले सकते हैं आइसक्रीम में, लेकिन मुझे तो प्लेन ही अच्छा लगता है कोई भी आइसक्रीम। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला फ्रेंड, तो बस इसको हल्का सा इस तरह कर लें। और इस तरह से कोई आपके पास क्लिंग फिल्म हो तो आप इसको लगा दीजिए जिससे कि बिल्कुल एयर टाइट रहे ये, बिल्कुल हवा ना जाए। कोई पन्नी लगाए तो उसको इसमें लगा दीजिए अच्छे से जिससे कि ये बिल्कुल इसके अंदर हवा ना जाए। तो हमारा एकदम अच्छे से ये इसके अंदर ये पन्नी हम इसको अच्छे से लगा दें जैसे बिल्कुल भी इसमें बर्फ़ ना आने पाए, और ये क्रीम बहुत अच्छा इसका आइसक्रीम बन के तैयार हो फ्रेंड। तो इस तरह आप भी करिएगा, जब भी आप कोई पन्नी लगाएं तो पूरा नीचे तक इसके बैटर में छूना चाहिए। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे चपका लेते हैं, और फिर इसको इस तरह से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा हमने अच्छे से नीचे दबा दिया है, अब इसको इसके ऊपर से हम लगा देते हैं इस तरह से। और देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने इसको लगा दिया,
अब इसको हम फ्रीजर में रखेंगे फ्रेंड करीब 7-8 घंटे के लिए, उसके बाद ये जम जाएगी और फिर हम सुबह इसको दिखाएंगे आपको। तो हम ओवरनाइट के लिए इसको रख देते हैं, फिर मॉर्निंग में इसको आपको दिखाएंगे कि हमारी ये कैसी लगी, कैसा है। तो आप इसको बनाइए, बना के खाइए, खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे जो भी रेसिपी है वो आप तक जल्दी ही पहुँचे, और कमेंट भी करिए। तो इसको रखते हैं, फिर सुबह हम आपको दिखाते हैं कैसा है हमारा। 8-9 घंटे हो गए हैं और इसको देखिए एकदम अच्छे से हमारा जम गया है मैंगो का आइसक्रीम। देखिए इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड, इसका कि टेक्स्चर देखिए कितना खूबसूरत है, इतना क्रीमी लग रहा है। और अब इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको कितना इजीली ये निकल रहा है ऐसे से। आपके पास अगर वो निकालने वाला आइसक्रीम वाला हो तो उससे तो बहुत अच्छे से निकल जाता है फ्रेंड, तो उस तरह नहीं तो कोई बात नहीं, इसे किसी भी उसे निकाल लीजिए, इसको अच्छे से एक इस तरह शेप दे दीजिए और इसमें रख दीजिए इस तरह, तो आपके पास उसी शेप में ये आ जाएगा। तो बस इसी तरह हम और भी निकाल लेते हैं अपना। तो सबसे अच्छा आइसक्रीम का यही होता है टेक्सचर कि ये इजीली निकलता है, इसको देखिए कहीं से भी बर्फ नहीं है फ्रेंड। और आप इसको चम्मच से भी निकाल सकते और किसी भी चीज़ से निकाल लेके देखिए। तो अगर आप 5-10 मिनट इसको बाहर रख दें पहले ही फ्रिज के तो और इजीली से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो हम टूटी फूटी है उससे गार्निश कर सकते हैं, आप पिस्ता से भी कर सकते हैं इसको, और कोई भी ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर आया फ्रेंड, तो देखा आपने कितना अच्छा सा हमने इसको बनाया था। और घर में आराम से ये मैंगो आइसक्रीम बन जाती है फ्रेंड, तो इसको आप बनाइए अपने घर पे इसी तरह। कितना झटपट हमने मैंगो आइसक्रीम बना लिया अपने घर पे, तो आप ही बनाइए इसको, और कितना ईजी था बनाना और सबको पसंद आता है। तो आप बनाइए इसको, बना के खाइए, खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे जो भी हमारी रेसिपी वो आप तक जल्दी पहुँचे। और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपने बनाया तो कैसा बना और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है फ्रेंड। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।